नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह नक्षत्र आदि विषयों पर बात करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम सूर्य का राशि परिवर्तन जो मास के मध्य के लगभग हुआ करता है उसके बारे में बात करते हैं। इस तारीख को जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तित करते हैं उसको जो है संक्रांति रूप से भी नाम से भी जाना जाता है। आज मैं आपके साथ सूर्य का कुंभ राशि में जो प्रवेश होने जा रहा है 13 फरवरी 2020 को दोपहर 3:03 से लेके 14 मार्च 2020 2:11:53 तक जो होगा उस ग्रह के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सभी लग्नों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, मेष से लेके मीन लग्न। हम लग्न के ऊपर इसलिए बात करते हैं क्योंकि हमारे सारे जो उपाय होते हैं वो लग्न सम्मत हुआ कर सकते हैं, क्योंकि रत्नों का धारण है तो कुछ विशेष उपाय हमेशा जो है वो लग्न के ऊपर आधारित होते हैं, शुभ प्रभाव देते हैं। मैं अब आपके साथ क्या प्रभाव सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश वृषभ लग्न के लिए होने जा रहा है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्या प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है, ऋतु आपका वृषभ लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए आप दो काम करें। एक तो आप हमारे नवग्रह चैनल नवग्रह मंथन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर उसको लाइक कर सकते हैं। दूसरे, आप अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी भी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड कर दें। फीड करने के उपरांत इस प्रकार का एक चित्र आएगा, उसमें जो 12 खाने हैं ऊपर के बीच के खाने में यदि 2 नंबर लिखा है, वृषभ लग्न लिखा है, तो समझिए आप इस लग्न से जुड़े हुए हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं। और यानी आप जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान, ये पूरी सूचना इस प्रकार का चित्र आएगा। यदि 2 नंबर है तो समझिए आपका वृषभ लग्न है, परंतु यदि आपको बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं, आपका नाम का अक्षर इनमें से भी कोई एक है तो समझिए आपका वृषभ लग्न है। क्या है नाम के अक्षर? ई ऊ ए ओ वा वी वु वे वो, तो वृषभ लग्न से आप जुड़े हैं यदि आपका इनमें से कोई अक्षर है। अब वृषभ लग्न में सूर्य का जो है राशि परिवर्तन जो ये 13 फरवरी को होने जा रहा है, वृषभ लग्न से दशम भाव में सूर्य आ रहे हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। दशम भाव में सूर्य का लग्न से या राशि कहीं से भी परिवर्तन जब होता है अत्यधिक लाभकारी शुभकारी रहता है, विशेष करके नौकरी वालों के लिए और राजनीति के लोगों के लिए सरकारी नौकरी अत्यधिक उत्तम रहता है। परंतु हम सब सब्जेक्ट्स के ऊपर बात कर लें, स्वास्थ्य के लिए 29 तक बहुत अच्छा है। थोड़ी बहुत आपकी भाग दौड़, क्योंकि काम पूरे माह आपके लिए कार्यक्षेत्र में बड़ा अच्छा रहेगा तो भाग दौड़ बढ़ेगी, तो उसमें थकान सुस्ती हो सकती है। और यदि 60 वर्ष से ऊपर की आयु है आपकी तो, और मधुमेह से जिन शिकायत रहती है उनको मधुमेह का होना, टांगों में दर्द होना और वजन बढ़ना, इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। 29 फरवरी के उपरांत शुक्र का जब राशि परिवर्तन होगा तो आपको थोड़ा जो है वाहन की गति इत्यादि पर जो है वो नियंत्रण रखना पड़ेगा। और विशेष करके यदि आप बाहर जाना चाहते हैं, अपने जहां आप रहते हैं उससे बाहर निकलना चाहते हैं, विदेश में इत्यादि में, तो स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, खान पीन पे ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा सा एक्सीडेंट का ध्यान 29 के उपरांत आपको रखना पड़ेगा। एक्सीडेंट के ऊपर, अपने वाहन की गति के ऊपर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। दूसरा क्षेत्र है शिक्षा, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, म्यूजिक का, आईटी का, यानी शुक्र से जुड़े और बुध से जुड़े क्षेत्र हो। और यदि आपने विदेश में जाके पढ़ना हो, विदेश में पढ़ने के लिए 29 के उपरांत देश में इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, बेशक वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एरोनॉटिक्स हो, कंप्यूटर्स हो, सिविल इंजीनियरिंग को, म्यूजिक का हो, आईटी का हो, एमसीए हो और फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई लिखाई हो, सभी क्षेत्रों में ये जो समय है आपका पूरा महीना विशेष करके उत्तम रहेगा। इसमें भी पढ़ाई के मद्देनज़र यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपकी तारीखें जो उत्तम है जिनमें आपको लाभ मिलेगा वो 21-22 फरवरी, 23-24 फरवरी और विदेश में जाने के लिए 28-29 फरवरी और 6-7 मार्च तथा 10-11 मार्च, ये तारीखें उत्तम रहेगी। इस माह में आपके शनि के मंदिरों में या पितृ स्थानों की यात्रा जैसे गया या कुरुक्षेत्र इत्यादि, कनखल, हरिद्वार में पितरों के पूजन के लिए आपकी धार्मिक आपकी यात्राएं हो सकती हैं। और उसके लिए जो तारीख है विशेष करके 18-20 फरवरी और 28-29 फरवरी अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेंगी।
धन की यदि बात करें तो इस माह में कई नए स्रोत भी बन सकते हैं आपको किराए से, अपने कार्य क्षेत्र के अतिरिक्त किराए से और पैतृक लाभ से। और जो बुध और शुक्र से जुड़े क्षेत्र हैं, विशेष करके मीडिया है, म्यूजिक है, आर्ट है, डांस है, फोटोग्राफी है, आपका क्रिएटिव फील्ड है, पोएट हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आईटी इंजीनियरिंग है, डिजिटल्स में डील करते हैं, तो इसमें आपका धन लगातार बढ़ता रहेगा। धन हेतु जो अच्छी तारीखें हैं 23-24 फरवरी हैं आपकी, उसके उपरांत 4-5 मार्च हैं, 8-9 मार्च हैं तथा 12-14 मार्च, इसमें आपको धन अच्छा रहेगा, लगातार आएगा। बात कर लेते हैं नौकरी और व्यापार, दोनों में ही जो है ग्रह स्थिति विशेषकर सरकारी नौकरी में अधिक उत्तम है। और यदि आप विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो 29 तारीख के बाद आप जा सकते हैं, जो कि अच्छा समय है। और नौकरी और व्यापार दोनों शुक्र बुध और शनि के जो विशेष करके क्षेत्र हैं, उनमें भारत में आपको कला साहित्य संगीत हुआ, बुध का हुआ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग हुआ, मेटलर्जिक इंजीनियरिंग हुआ, वेदर से जुड़ा हुआ जो पढ़ाई का क्षेत्र ये हुआ, उसमें आपको नौकरी और व्यापार दोनों में लाभ मिलेगा। विदेश में यदि आयात निर्यात या रुके धन की प्राप्ति, कोर्ट इत्यादि से जो लाभ है वो भी हो सकता है आपका, वो जो समय है 29 के उपरांत है। व्यापार में जो खान पीन का जो क्षेत्र है, जैसे होटल है, बैंकट हॉल है, या पार्लर है आपका, आइसक्रीम पार्लर है, और वेजिटेबल से डील करते हैं, फ्रूट से डील करते हैं, और मीठी वस्तुओं से डील करते हैं, सब्जियों से डील करते हैं, तो ये पूरा माह बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। इसमें विशेष जो तारीख हैं जिनमें कि आपका जो लाभ आपको मिलता है वो 23-24 फरवरी, 4-5 मार्च, 8-9 मार्च तथा 12-14 मार्च हैं। अब रिश्तों की बात करते हैं, रिश्तों में प्रेम विवाह इत्यादि, तो जो लोग मांगलिक हैं इस माह में मांगलिक प्रभाव तेज रहेगा, मांगलिक लोगों को सावधानी रखनी होगी। यदि आपके प्रेम विवाह या शादी करनी है तो कुंडली मिला के करें, और इस माह में धन या किसी भी पैतृक कारणों से झगड़े मुकदमे से बड़े जिससे रिश्ते ना खराब हो, छोटे भाई बहन इत्यादि से रिश्तों को विशेष रूप से सावधानी में रखें। 29 के बाद में विशेष करके रिश्ते जो है अधिक खराब हो सकते हैं। प्रेम में ब्रेक होना, धोखा होना या विदेश में विवाह के संकेत आपको मिलते हैं। रिश्तों में आपके कार्यस्थल अथवा माता पिता से रिश्ते ठीक रहेंगे, सिर्फ प्रेम विवाह इत्यादि में धोखा थोड़ा सा लग सकता है। अब सावधानी किन तारीखों में आपको रखनी है, वो 18-20 फरवरी है और 28-29 फरवरी है, उसके उपरांत 6-7 मार्च है जिसमें आपको धोखा, 4-5 मार्च है जिसमें धोखा लग सकता है। और इसमें जो विशेष करके आप विवाह निश्चित जो आपकी होने की तारीखें हैं वो 16-17 फरवरी है, 1-3 मार्च है और 12-14 मार्च है। उपाय क्या कर सकते हैं इस रत्न के लिए, वृषभ लगन है इसके लिए, हीरा अथवा सफ़ेद पुखराज पन्ना धारण करना। यदि शेयर मार्केट या हेल्थ की कोई बड़ी समस्याएं चल रही हैं, सट्टे का है कुछ हिसाब किताब, मांगलिक या अनप्रिडिक्टेबल हो रही हैं चीज़ें, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो हेल्थ इनके लिए लहसुनिया भी धारण करते हैं, यानी सफ़ेद पुखराज पन्ना, हीरा अथवा सफ़ेद पुखराज पन्ना और कैटसाई। साठ सती इत्यादि चल रही हो तो पन्ना, हीरा अथवा सफ़ेद पुखराज तथा नीलम धारण कर सकते हैं। हेल्थ खराब होने में मृत्युंजय तथा गायत्री मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। अब इस माह में कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण मुहूर्त की तारीखें बता देता हूँ आपको। मुंडन के लिए 28 फरवरी, 11 मार्च, अक्षर आरंभ के लिए 17 और 28 फरवरी, 11 मार्च, विद्या आरंभ के लिए 28 फरवरी, 11 मार्च, उपनयन संस्कार के लिए 25-26-28 फरवरी, 11 मार्च, ग्रह आरंभ के लिए 26 फरवरी, देव प्रतिष्ठा मुहूर्त जो होगा 26-26-28 फरवरी, 14 मार्च, नौकरी में परिवर्तन, नौकरी आरंभ करना, व्यापार आरंभ करना फरवरी 16-26-28 फरवरी तथा 11 मार्च। धन्यवाद, नमस्कार।